नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पद की शपथ और त्याग पत्र के बारे में। मतलब जैसे अगर राष्ट्रपति, जैसे हम कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, वो नियुक्ति कौन करता है, किसके सामने प्रधानमंत्री को अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है, या प्रधानमंत्री अपना जो त्याग पत्र देता है, वो त्याग पत्र किसके समक्ष वो देता है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो भारत के जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रमुख संवैधानिक पदों के बारे में कि कौन किसको शपथ दिलवाता है और कौन किससे त्याग पत्र लेता है। और दोस्तों, यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, या बैंकिंग वाला सेक्टर हो, तो या फिर जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम का एग्जाम हो, या स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चले कि आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2 4 10 दिन एग्जाम चलता ही चलता है आजकल। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम व्यापम की ही बात करते हैं, तो व्यापम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उनके पास, बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो वो कलेक्शन आपके पास भी होना चाहिए, आपको भी वो सारी चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब आप उनके जवाब दे पाएंगे। इसलिए ये मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, करीब 5 7 मिनट का वीडियो होगा, और 5 7 मिनट के वीडियो में मैं आपको इसमें सब कुछ बता दूंगा। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शपथ के बारे में, कि कौन किसकी नियुक्ति करता है, किसके समक्ष शपथ लेता है। तो सबसे पहला है राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को जो शपथ लेनी पड़ती है, वो शपथ लेनी पड़ती है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जो जज होते हैं, उनके सामने शपथ लेनी पड़ती है, या फिर अगर ये अनुपस्थित हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे, मतलब उच्चतम न्यायालय के जो ज्येष्ठतम मतलब सीनियर न्यायाधीश जो होंगे, उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अपने पद की। फिर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। और अगर राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है। नेक्स्ट हमारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब उच्चतम, देखिए एक होता है आपका उच्चतम, मतलब ये हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, और एक होगा आपका उच्च हो जाएगा आपका हाई कोर्ट। तो आप इसको यहाँ पे, अब जैसे हम देखें कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उनको शपथ दिलवा सकता है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे राज्यपाल की। तो देखिए, जैसा हम इसको थोड़ा सा एनालॉजी बना सकते हैं, कि जैसा आपका सिस्टम होता है सेंट्रल में, वैसे कुछ सिस्टम होता है आपका स्टेट्स में। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है, तो यहाँ पे स्टेट में राज्यपाल होता है। अगर सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर होता है, तो राज्य में चीफ मिनिस्टर होता है। यहाँ पे भी मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसको बोलेंगे, और यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद होगी उसको राज्य की मंत्रिपरिषद बोलेंगे। इस तरीके से हम एक एनालॉजी इसमें बना सकते हैं। अब जैसे देखिए, राज्यपाल है, तो राज्यपाल को कौन दिलवाएगा शपथ? जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई थी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने, ठीक है, और राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाएगा? हाई कोर्ट के मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति दिलवाएंगे इनको शपथ, या इनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ मतलब जो भी सीनियर जज होगा उतने टाइम पे, वो उनको शपथ दिलवाएगा। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यहाँ पर बात चल रही है, तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति इस निमित्त कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो संसद के सदस्य होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद, तो संसद के जो सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निमित्त नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसको शपथ दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट है जो राज्य के विधायक होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम अगर राज्य पे, तो राज्य में हम जब भी आएंगे, तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा निमित्त नियुक्त कोई भी इस निमित्त नियुक्त कोई भी व्यक्ति उनको शपथ दिलवा सकता है। इसके बाद राज्य के मंत्रिपरिषद, तो जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति शपथ दिलवा रहे थे, ऐसे यहाँ पे स्टेट की मंत्रिपरिषद है, तो यहाँ पे राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
जैसा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो यहाँ पे राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई भी व्यक्ति उनको शपथ दिलवाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्याग पत्र के बारे में कि कौन किसे त्याग पत्र देता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है भारत का या किसी भी कंट्री का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के जो नीचे जो पोस्ट होती है वो होती है उपराष्ट्रपति की, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं अपना त्याग पत्र। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखने लायक है कि देखिए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब लोग राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। इसके बाद लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। तो जैसा यहाँ पर राष्ट्रपति का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र राष्ट्रपति को था, ऐसा ही यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए भी है। इसके अलावा राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो सभापति को सौंपते हैं, और जो संसद के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को, मतलब राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। तो ये संसद के जो सदस्य होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति को या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को, किसी को भी सौंप सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं स्टेट पे, विधानसभा का अध्यक्ष, तो विधानसभा का अध्यक्ष सौंपेगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो सौंपेगा विधानसभा के अध्यक्ष को। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर जो विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद के जो सभापति होते हैं वो उपसभापति को, और विधान परिषद के जो उपसभापति होते हैं वो सभापति को। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोक सेवा आयोग होता है, अब वो चाहे संघ आयोग हो या संयुक्त आयोग हो, उनके जो सदस्य होते हैं वो हमेशा राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा सौंपते हैं। और ये लोकसभा, जैसे हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की, जो स्टेट लेवल पे जो होता है, जो यूपीएससी जो आईएएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट करवाता है, आईएएस आईएफएस का, वो है आपका संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। और लोक सेवा आयोग जो होता है आपका पीएससी, जैसे एमपीपीएससी है आपका, मतलब ये स्टेट लेवल पे होते हैं, तो ये लोग अपना जो इस्तीफा होता है वो राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे शपथ जो समारोह होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा शपथ लेते हैं और इस्तीफा किसको कौन इस्तीफा सौंपता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँ। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक के पेज से लाइक कर सकते हैं आप, एनएस एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, और ट्रू कॉलर पे हमारा चैनल है @NSEducation के नाम से आप सर्च कर लें, आप मिल जाएंगे, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करता हूँ मैं, कि हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप उससे भी जुड़ें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।